हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी। करंट लक्स रे का एक अच्छा क्वेश्चन। इन अ मीटर ब्रिज द वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर हैज नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। सच दैट द वेरिएशन ऑफ डी आर बाई डी एल ऑफ इट्स रेजिस्टेंस आर विद लेंथ एल। डी आर बाई डी एल प्रोपोर्शनल टू 1/√L। द टू इक्वल रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन ऑन द फिगर। ये इक्वल रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, आर डैश आर डैश। द गैलोमीटर है जीरो डिफ्लेक्शन वेन द जॉकी एट पॉइंट पी। यहां पर जीरो डिफ्लेक्शन दे रहा है, आई जी जीरो है। वॉट इज द लेंथ ऑफ एपी, एपी वायर की लेंथ पूछ रहा है। तो देखो इसमें ये जो वायर है ना, ये यूनिफॉर्म एरिया ऑफ प्रोसेशन का नहीं है। इधर से इधर चलने पर एरिया ऑफ प्रोसेशन बढ़ रहा है। तो अब आप लेंथ से रेजिस्टेंस डिसाइड नहीं कर सकते। आप ये नहीं मान सकते कि 1 सेंटीमीटर लेंथ का रेजिस्टेंस लैम्डा ओम मान लो, उस तरह से नहीं करना। उसके लिए उसने यहां पे कुछ दे रखा है। तो देखो पहले इसमें मान लो इस वाले वायर एपी का रेजिस्टेंस आर एपी है। ए से पी तक का वायर का जो रेजिस्टेंस है वो आर एपी है और इसका आर पी भी है। और बैलेंस वी ट्विस्टन ब्रिज बना हुआ है क्योंकि आई जीरो है। मीटर ब्रिज इज बेस्ड ऑन बैलेंस बिटवीन ट्विस्टन ब्रिज। इफ आई जी अगर जीरो देन इस रेजिस्टेंस का और इसका मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई, तो आर डैश इंटू आर पी वी और इसका मल्टीप्लाई इक्वल होगा आर डैश इंटू आर ए पी। ये मैंने कंडीशन ऑफ बैलेंस बिटवीन ट्विस्टन ब्रिज लगाई है। अब बहुत से इसका डिवाइड करते हैं, इसका डिवाइड करते हैं, एक ही बात है। इसका डिवाइड कर लो, इसका डिवाइड कर लो, या मैं अपोजिट वाले करता हूँ, इन दोनों का मल्टीप्लाई और इन दोनों का मल्टीप्लाई, है ना। चलिए ये समझ में आया। तो आर डैश से तो आर डैश कटेगा, तो आर पी बी बराबर आर ए पी। बस अब इस रेजिस्टेंस को कैसे निकालें, क्योंकि अब ये रेजिस्टेंस जो है इसकी अगर बैलेंसिंग लेंथ अगर मैंने ये एक्स मान ली, तो देखो यहां पर एक्स बराबर जीरो मानने हैं, तो यहां पर एक्स बराबर जीरो, तो ये एक्स हो गया यहां तक। तो यहां से ये डिस्टेंस दे रखी आपको 1 मीटर, तो यहां पर x कितना होगा, यहां पर x बराबर 1 मीटर होगा। बस अब जरा समझिए, इसको निकालने के लिए हमें एक रिलेशन दे रखा है यहां पर। इस रेजिस्टेंस वायर ए से बी तक का जो रेजिस्टेंस है वो वेरिएशन दे रखा है डी आर वाई डी एल का लेंथ के साथ, वो इस तरह से दे रखा है क्वेश्चन में, ये गिवन है बेटा। तो यहां पर जरा ध्यान देने वाली बात है कि डी आर ओवर डी एल प्रोपोर्शनल टू 1/√L हमें ये गिवन है, इसी वायर के लिए गिवन है ये। इस वायर का जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ के साथ इस तरह से वेरी कर रहा है, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। तो डी आर इस प्रोपोर्शनल टर्म को उठा लो, तो एक कॉन्स्टेंट टर्म लिख लो जैसे के लिख लिया, और डी एल का मल्टीप्लाई इधर में कर लो, तो डी एल बटे जूड एल, ये डी आर आ गया। अगर हम इसका इंटीग्रेशन कर दें बोथ साइड, तो टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा आपका के बाहर आ गया, इंटीग्रेशन डी एल बाई रूड एल, तो डी आर का रेजिस्टेंस टोटल रेजिस्टेंस हो गया आर। तो यही रेजिस्टेंस हम यहां पे निकालना चाहते हैं, ये वाला। तो इस टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू लिखे हैं, तो इंटीग्रेशन के डी एल बटे रूड एल, और पी से बी तक का करना है तो लिमिट पुट करनी पड़ेगी, एल के रेस्पेक्ट में कर रहे हो, लेंथ की लिमिट आएंगी। तो देखो यहां से यहां तक कर रहे हैं, तो यहां पर कितनी लेंथ है एक्स, और यहां पे कितनी लेंथ है 1, तो इसकी लिमिट आएगी x से 1। आपको यहां से यहां तक की वायर का रेजिस्टेंस चाहिए ना पी बी, तो इस जगह पर लेंथ कितनी x, क्योंकि यहां पे मैंने x बराबर 0 माना है। यहां से डिस्टेंस मैंने मेजर करी है x, और ये पूरी 1 मीटर दे रखी है, तो यहां पे x बराबर 1 मीटर। इसीलिए यहां से यहां तक कर रहे हैं, तो इस जगह पर लिमिट हो गई x और यहां पर लिमिट हो गई 1, तो x से लेके 1 तक इक्वल टू आर ए पी वाले लिखें, तो के डी एल रूड एल, और इसमें लिमिट पुट करनी पड़ेगी, इसका रेजिस्टेंस निकल आएगा ए से पी तक का। तो लिमिट पुट करें तो यहां पे तो 0 हो गया, और यहां पे कितना ये एक्स, तो ये डिस्टेंस एक्स होगी। हमसे एक्स ही पूछ रहा है कि एक्स कितनी डिस्टेंस होगी, ए पी की वैल्यू पूछ रहा है, व्हाट इज द लेंथ ए पी, ठीक है। तो सॉल्व कर लो, अगर वो के से तो के ही कट गया पूरा। अब इसका इंटीग्रेशन करें, तो आपको इंटीग्रेशन इस रूड एल को ऊपर लेके आए, तो एल की पावर माइनस के 1/2 डी एल हो जाएगा। अब इसमें फॉर्मा लगा लो आप, कौन सा वाला, इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन डी एक्स इक्वल टू एक्स की पावर एन प्लस 1 और एन प्लस 1, एन डज नॉट इक्वल टू माइनस 1। तो यहां एन की वैल्यू माइनस हाफ है, तो पुट कर दो एल माइनस हाफ प्लस 1 और माइनस हाफ
प्लस वन, तो सॉल्व करके ये जो आएगा एल की पावर प्लस के हाफ, और नीचे भी हाफ बचेगा तो टू लिख लेते हैं, है ना, ऊपर ले आ जाएगा वो। तो बस इसका इंटीग्रेशन ये लिख दो आप, टू एल की पावर वन बाई टू और लिमिट आ गई एक्स से वन, ऐसे इसमें लिख दो टू एल की पावर वन बाई टू और लिमिट आ गई जीरो से एक्स, टू से तो टू कैंसिल हो गया। अब इसे अपर लिमिट लिखो एल को रिप्लेस करके, एल को रिप्लेस करके पहले अपर लिमिट, तो रूट वन भाई एल की पावर इक्वल टू दो का मतलब रूट ही तो होता है, माइनस एल की जगह पर लोअर लिमिट रूट एक्स इक्वल टू, ऐसे इधर लिखो रूट एक्स माइनस जीरो। तो देखो ये वाला वैल्यू इधर आ गई तो ये हो जाएगा वन, और ये इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा टू रूट एक्स। तो इसको टू को नीचे ले आओ, तो यहां लिख देता हूं वन बाई टू इज इक्वल टू रूट एक्स, बोथ साइड का स्क्वायर कर लो, वन बाई फोर इक्वल टू एक्स, एक्स बराबर आ गया 1/4 मीटर या 0.25 मीटर, फोर का डिवाइड करो 0.25 मीटर, तो इसकी सी चॉइस हो गई। अच्छा ये तो समझ में आया, ये रेजिस्टेंस मैंने कैसे लिख दिया, डी आर का इंटीग्रेशन करेंगे तो टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा ना बेटा, लेकिन लिमिट पुट करनी पड़ेगी पी से बी तक की और ए से पी तक की, इसीलिए मैंने यहाँ पर डी आर का इसकी वैल्यू लिमिट पुट करके दी दिया, टोटल रेजिस्टेंस हो गया ये। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जरूर समझ में आया होगा, पढ़ते रहिए और खुश रहिए।